इंदौर जिले में देपालपुर तहसील के ग्राम पंचायत काली बिल्लौद में प्रदेश की पहली मानव मल जल प्रबंधन इकाई स्थापित की गई है। यह इकाई मानव मल और व्यर्थ बहने वाले घरेलू पानी को दोबारा उपयोग में लाने लायक बनाएगी। इसका उद्घाटन करने के लिए मंगलवार को बैटमा क्षेत्र की इस पंचायत में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहुंचे। आपको अवगत करा दें कि यह इकाई काम करना शुरू कर चुकी है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाटर एड ने भी मदद की है। इस तरह की इकाइयां देश में कई स्थानों पर बनाई जा रही है, लेकिन प्रदेश के काली बिल्लौद में यह सबसे पहले बनाई गई और इसका सफल संचालन हो चुका है। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। स्वच्छता में नंबर वन रहता है और अब शहर के साथ साथ ग्रामीण परिवेश का भी इंदौर जिला स्वच्छता में अग्रसर हुआ है और आज भारतवर्ष का पहला प्लांट जो फंक्शनल है हमारा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो आज यहाँ लोकार्पित हुआ है। इससे जितने हमारे तीन पंचायतों की जो गंदगी होती है, जो मल होता है, उसको पूरा रीयूटिलाइज करके, उसको रीचेन करके और उसको खाद के रूप में काम करेंगे और दूसरा जो हमारा पानी है उसको स्वच्छ में रखेंगे जिससे कि वो सूर्य की किरणों से उसको ठीक किया जा सके और वो पानी जो है हमारी खेती किसानी के लिए काम आए। तो ये एक निश्चित रूप से मैं कहूँगा नवाचार हमारे स्वच्छता मिशन, मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन ने किया है। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दूँगा। खासकर निधि जी कहाँ हैं, निधि निवेदिता जी जो हमारे स्वच्छता मिशन की मध्य प्रदेश की सीईओ हैं और उनको विशेष रूप से मेरी बधाई है और हमारे पंचायत के जो सरपंच हैं जिनकी पूरी टीम ने बहुत ईमानदारी के साथ मदद की है उनको भी सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये एक सा नवाचार है, इंडिया में फर्स्ट है और अब हम चाहेंगे कि अन्य प्रदेश के जिलों में भी पंचायतों में इसको किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।